हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज बी की खास चुनावी पेशकश यूपी किसकी में। मायावती की मूर्तियों से भी किसे लगता है डर, कहां से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, योगी ने आज कौन सा तीर चलाया, बीजेपी में जाने के बाद कैसे अपर्णा यादव ने बदला रंग और चुनाव आयोग पर क्यों लगा भेदभाव करने का गंभीर आरोप। बात होगी हाथरस कांड के पीड़ित परिवार की भी। यूपी चुनाव की दिन भर की हर अपडेट लेकर मैं सुमित चौहान हाजिर हूँ आपके साथ दिन भर की पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर यह है कि अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। आज की पहली बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इशारों में उन्होंने ये भी बता दिया कि वो कहां से ताल ठोकने वाले हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा यूपी चुनाव में सियासी पारे को और चढ़ाने के लिए अब अखिलेश यादव ने खुद भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। बीजेपी बार बार अखिलेश को चुनाव लड़ने की चुनौती दे रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि अखिलेश भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के सवाल पर आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पुड़िया निकल सकती है तुम्हारी सीट पर, हालांकि ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, यहाँ नहीं निकलेगी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं। ऐसे में अखिलेश के चुनावी मैदान में उतरने से सियासी माहौल और गर्म हो सकता है। अखिलेश फिलहाल आजमगढ़ से ही लोकसभा के सांसद हैं। ऐसे में अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें आजमगढ़ की जनता को विश्वास में लेना होगा। माना जा रहा है कि अखिलेश जल्द ही इसका ऐलान भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक। अगर अखिलेश यूपी चुनाव लड़ते हैं तो ये उनका पहला विधानसभा चुनाव होगा। साल 2012 का चुनाव समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर लड़ा था। उस समय वो पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने में कामयाब हुए थे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए थे। तब अखिलेश जो है वो विधायक नहीं थे बल्कि सांसद थे। सीएम बनने के बाद अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दिया और एमएलसी बनकर विधानसभा पहुंचे थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले अखिलेश की समाजवादी पार्टी इस बार ज्यादा मजबूत स्थिति में है, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से चुनावी मैदान में उतारा है। इससे साफ जाहिर है कि अखिलेश यादव पर भी चुनाव लड़ने का दबाव बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़कर योगी को टक्कर देने का मूड बनाया है। दूसरी खबर यह है कि मायावती की मूर्तियों को ढक दिया गया है। आज की दूसरी खबर यह है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती की मूर्तियों को तिरपाल से ढक दिया गया है। यूपी चुनाव से पहले मायावती की मूर्ति को ढकने की कार्रवाई की जा रही है। मायावती की मूर्तियों पर लगा चुनावी लॉक। मायावती की मूर्तियों पर डाले गए तिरपाल। यूपी में जब जब चुनाव आते हैं तब तब मायावती की मूर्तियां चुनावी मुद्दा बनती हैं और हर बार उनकी मूर्तियों पर चुनावी लोक भी लग जाता है। इस बार फिर से मायावती की मूर्तियों को तिरपाल से ढक दिया गया। नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर लगी मायावती की मूर्ति को काले तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि चुनावी मौसम में लोग उनकी मूर्ति को देखकर उन्हें वोट ना दे दें। और मायावती जी को तो मायावती जी का मुंह कटा रखा है चुनाव के कारण। चुनाव के कारण आज सही कह रहे हैं, मायावती जी का मुंह ढाक रखा है यार। यहाँ पर देखिए आप, हाथी भी ढाकते थे पहले तो। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सही, बट ये गलत है। और क्या, यहाँ पर वैसे भी कोई भीड़ नहीं है इतनी ज़्यादा कि कोई चुनाव प्रचार हो रहा है, लेकिन यहाँ मायावती जी की शक्ल को इनने ढाक रखा है।
पॉलीथीन से पूरा लपेटा हुआ है और मतलब सच में बहुत बुरा लग रहा है देखकर। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से ये कार्रवाई की गई है। विरोधी मायावती की मूर्ति और पार्कों को चुनावी प्रचार कहकर हल्ला करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग मायावती के बनाए भव्य और ऐतिहासिक पार्कों को तो नहीं ढक सकता, इसलिए अक्सर मायावती की मूर्तियों और हाथियों को ही तिरपाल से ढक देता है। लेकिन क्या वाकई मूर्तियां ढक देने से यूपी की जनता वोट देने का फैसला बदल देगी? सवाल तो ये भी उठता है कि उन पार्कों और स्मारकों का क्या जो मायावती की सरकार में हुए शानदार काम का जीता जागता उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक। मूर्तियां तो ढकी जा सकती हैं, लेकिन इतने भव्य स्मारकों को ढकने के लिए आज तक कोई तिरपाल नहीं बना। मायावती की सरकार में जो काम हुआ है वही उनकी पहचान है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन लोगों ने मायावती को वोट देने का मन बना रखा है, क्या वो मूर्तियां ढकने से अपना फैसला बदल लेंगे? सवाल तो ये भी है कि क्या मायावती के अलावा बाकी पार्टियों की विचारधारा से जुड़े नेताओं की मूर्तियों को भी ढका जाता है? ये चुनावी रंजिश के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरी खबर ये है, बीजेपी में शामिल हुई हैं अपर्णा यादव। आज की तीसरी बड़ी खबर ये है कि मुलायम सिंह यादव के कुनबे में फूट पड़ गई है। यूपी चुनाव से पहले मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मुलायम के कुनबे में फिर हुई टूट। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। योगी के साथ आई मुलायम की छोटी बहू। और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के किले में सेंध लगाई और मंत्रियों विधायकों को अपने साथ मिला लिया, लेकिन इस चक्कर में अखिलेश परिवार नहीं संभाल पाए। बीजेपी ने अखिलेश के कुनबे में ही सेंध लगा दी है। आज मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होते ही अपर्णा यादव राष्ट्रवादी हो गई। जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ। और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। केशव ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कह दिया कि अखिलेश परिवार में भी सफल नहीं हो पाए और बतौर सीएम भी असफल रहे। मौर्य ने अखिलेश को चुनाव लड़ने की भी चुनौती दी। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया,
लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। अब जरा अपर्णा यादव की प्रोफाइल भी जान लीजिए। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। अपर्णा का जन्म एक ठाकुर परिवार में 1 जनवरी 1990 को हुआ था। उनके पिता का नाम अरविंद सिंह बिष्ट है, जो कि एक पत्रकार हैं। अपर्णा यादव की मां अंबी बिष्ट लखनऊ नगर निगम में अधिकारी हैं। अपर्णा यादव ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में डिग्री ली है। अपर्णा यादव प्रतीक यादव को स्कूल के दिनों से ही जानती थी। अपर्णा यादव की स्कूली शिक्षा लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। अपर्णा और प्रतीक की सगाई साल 2010 में हुई थी और दोनों की शादी दिसंबर 2011 में हुई। अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि उन्हें भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। अब देखना है कि अपर्णा यादव के आने से बीजेपी को क्या फायदा होता है। अपर्णा यादव ठाकुर जाति से आती हैं। उनका पूरा नाम अपर्णा बिष्ट है, जो योगी आदित्यनाथ की सम जाति हैं। योगी भी ठाकुर जाति से हैं, ऐसे में यादव बनाम ठाकुर हो चुकी राजनीति में अपर्णा भी तड़का लगाती नजर आएंगी। लेकिन वो कितना चुनावी कमाल दिखाती हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो खुद 2017 में असेंबली चुनाव हार चुकी हैं। अपर्णा को बीजेपी ने चुनावी नफे नुकसान से ज्यादा अखिलेश की ओर से लगाई गई सेंध के बदले में जवाबी कार्रवाई के तौर पर शामिल किया है। यूपी चुनाव में किसी की पार्टी टूट रही है तो किसी के परिवार टूट रहे हैं, किसी के सपने टूट रहे हैं तो किसी की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। चौथी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने अपर्णा पर अपना बयान दिया है। अखिलेश यादव ने अपने परिवार में हुई टूट पर चुप्पी तोड़ी और अपर्णा यादव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपर्णा यादव पर अखिलेश ने तोड़ी चुप्पी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं। अखिलेश बोले, समाजवादी विचार का विस्तार हुआ। समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज बीजेपी का दामन थामा तो पत्रकारों ने अखिलेश यादव से ही सवाल पूछ लिया कि परिवार में टूट कैसे हो गई। इस सवाल पर अखिलेश ने ऐसा जवाब दिया कि हर कोई हैरान रह गया। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, अखिलेश के बयान से इतना तो साफ हो गया कि अपर्णा को मनाने की कोशिश हुई थी लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर अपर्णा को बीजेपी चुनाव लड़वाती है तो क्या सपा उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक। चुनावी मौसम में इस तरह सियासी परिवारों में बंटवारा होना आम बात है। राजनीति चीज ही ऐसी है कि परिवार के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। पांचवी खबर यह है कि बीजेपी ने यूपी चुनाव पर बैठक की है। बीजेपी यूपी में अपनी सत्ता बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं ने यूपी में सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अपना दल के अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के संजय निषाद इस बैठक में शामिल थे। इन सबके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल रहे। यूपी में जिस तरह से योगी का किला ढहना शुरू हुआ है उससे बीजेपी की हवा टाइट हो गई है। बीजेपी के लिए यूपी में दोबारा वापसी करना बहुत मुश्किल हो गया है। ज्यादातर सहयोगी साथ छोड़ चुके हैं, इसलिए जो बीजेपी की कोशिश है वो ये है कि बचे खुचे सहयोगियों को बांधे रखने की कोशिश की जाए, उनको जोड़े रखा जाए। जेपी नड्डा ने अब की बार 300 पार का नारा दिया है। हालांकि उन्होंने कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसकी कोई घोषणा नहीं की। लेकिन सवाल यही है कि क्या इतना काफी है? क्या 5 साल तक यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार का असली चेहरा देख चुकी जनता फिर से बीजेपी पर भरोसा करेगी? ये अपने आप में
बड़ा सवाल हो जाता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छठी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा में कोविड सेंटर का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा बैकफुट पर है। समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सके, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें, और अगर करते हैं जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने इनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी। बैकफुट पर कौन है ये तो 10 मार्च को पता चल ही जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सातवीं खबर ये है कि बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। यूपी में 10 फरवरी को होने वाले चुनाव के पहले चरण के लिए जो बीजेपी है उसके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, हेमा मालिनी समेत कुल 30 नेताओं के नाम शामिल है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में जो अजय मिश्रा टेनी है उनका नाम शामिल नहीं। हालांकि वो यूपी से ही है, ब्राह्मण जाति से आते हैं, लेकिन उनका नाम शामिल नहीं किया है लखीमपुर खीरी कांड की वजह से। और वरुण गांधी जो कि भाजपा के सांसद है और उनकी मां मेनका गांधी, उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। हाल के दिनों में वरुण गांधी ने योगी और मोदी पर काफी सवाल खड़े किए थे, इसलिए इस लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है। वरुण के साथ साथ उनकी मां को भी साइडलाइन कर दिया गया है। अब लखीमपुरी कांड की जो वजह से बदनामी हुई है जमिस्टर टेनी की, इसकी वजह से वो इस प्रचारकों की लिस्ट में टेनी का नाम नहीं है। बीजेपी इस लिस्ट से साफ है कि पार्टी जो है वो यूपी चुनाव को किसान आंदोलन की परछाई से भी दूर रखना चाहती है। भले ही आंदोलन समाप्त हो चुका है और सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, पर किसान नेताओं की एक बड़ी मांग अब भी बनी हुई है। किसानों की मांग है कि लखीमपुरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने के मामले पर सख्त एक्शन लेते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से हटाया जाए, उन पर केस चले, उन पर कार्रवाई हो। लेकिन मोदी सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन उनसे दूरी जरूर बनाई हुई है। आठवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। आठवीं खबर यह है कि हाथरस कांड के पीड़ित परिवार का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस महासचिव और यूपी की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी ने हाथरस के पीड़ित परिवार के सदस्य को चुनावी टिकट देने का ऐलान किया था, लेकिन अब पीड़िता के भाई ने कहा कि 1.5 साल बाद भी हमें न्याय नहीं मिला है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते। पीड़िता के भाई ने कहा, अगर प्रियंका गांधी ने हमें टिकट देने का ऐलान किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें टिकट नहीं न्याय चाहिए। उन्होंने कहा कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, 1.5 साल हो गया लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाथरस जिले के चंदपा गांव में 14 सितंबर 2020 को दलित लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी और आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला भी किया था, जिसके बाद उसे सफदरजंग अस्पताल लाया गया दिल्ली में, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई थी। योगी सरकार पर जबरदस्त आरोप लगे थे आरोपियों को बचाने के। पीड़िता को इमीडिएट जो इलाज दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया, उसमें देरी हुई जिससे उसकी हालत बिगड़ती चली गई, और उसकी मौत के बाद पीड़िता के शव को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था योगी की पुलिस ने, ये तस्वीरें सामने आई थी। इसलिए यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ के दौर में जो दलितों पर, महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ा, जो अपराध हुए, वो भी चुनावी मुद्दा बना हुआ है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नौवीं खबर यह है कि नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया है। यूपी चुनाव से पहले यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि जो नितिन अग्रवाल हैं ये बीजेपी द्वारा ही समर्थित उपाध्यक्ष बने थे और ये समाजवादी पार्टी के बागी विधायक थे, जिसमें जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने नितिन अग्रवाल का समर्थन किया, इनको 304 वोट मिले थे, जबकि जो सपा के प्रत्याशी थे नरेंद्र वर्मा उनको 60 वोट मिले थे। इस चुनाव के लिए सपा ने जो है अपने विधायक जो उनके थे नरेंद्र वर्मा उनको नामित किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे क्योंकि बीजेपी ने नितिन अग्रवाल का साथ दिया था। लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है उपाध्यक्ष पद से, वैसे भी वो भंग हो जाएगी विधानसभा तो उसमें बने रहने का कोई मतलब नहीं है, और समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है, तो मुमकिन है कि वो आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ ऑफिशियली चले जाएं और उनकी टिकट पर चुनाव लड़े। अगली खबर ये है, दसवीं खबर की, शिपाली यादव ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर सफाई दी है। अपर्णा यादव के बाद अखिलेश का चाचा शिपाली यादव के भी बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब शिवपाल ने इस पर सफाई दी है। दरअसल यूपी बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शिवपाल यादव को समझदार नेता बताया था और इशारा किया था कि वो भी बीजेपी में आ सकते हैं, लेकिन खबरों के कुछ ही घंटों बाद शिवपाल यादव की सफाई आ गई। उन्होंने कहा कि लक्ष्मीकांत के इस दावे में
कोई सच्चाई नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूं, तो शिवपाल ने इस खबर को गलत बताया है। वो फिलहाल अखिलेश के गठबंधन में शामिल हैं और उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थी यूपी की 10 बड़ी खबरें और उनके छोटे छोटे सियासी मायने हमने आपको बताई। बिना किसी लाग लपेट और गुनाह भाग के हमने बात की कि बहन कुमारी मायावती की मूर्तियों को किस तरह से तिरपाल से ढक दिया गया है और क्यों अखिलेश यादव इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। हमने योगी आदित्यनाथ के बयान की भी बात की और साथ साथ हाथरस कांड में पीड़ित परिवार के चुनाव ना लड़ने के फैसले पर भी हमने बात की। ये विश्लेषण, ये खबरों का बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपी की तमाम बड़ी चुनावी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं साथियों।